एमआई कंपनी ने अपनी प्रो सीरीज़ यानी कि जो प्रो टीवी है एमआई की, एमआई प्रो सीरीज़ में 3.5 mm जैक नहीं दिया। तो आप आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने होम थिएटर को कनेक्ट कर पाएंगे टीवी के साथ, वो भी बिना किसी 3.5 mm जैक या एडप्टर के ज़रिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी जो आपको स्क्रीन पे 3 वायर दिख रहे हैं, रेड, येलो एंड वाइट, तो इसमें से आपको येलो वायर कुछ काम का नहीं है, तो उसको आपको 3 वायर्स में से हटा लेना है। ये वायर की आपको आवश्यकता ज़रूरत होगी, तो ये वायर बड़े आसानी से आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, गेम से या डीवीडी प्लेयर से मिल जाएंगे। तो इसमें आपको जो ये 2 येलो वायर है उसको आपको हटा देना है, वो कुछ काम के है नहीं अभी। जैसे कि आपका ये होम थिएटर होगा, इसमें आपको बैक साइड में रेड और वाइट वायर दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ पर रेड कलर के में रेड वायर प्लग करना है और वाइट कलर में वाइट वायर कनेक्ट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप कोई भी किसी भी पोर्ट में आप कनेक्ट कर सकते हो, जिस पोर्ट से आपको चलाना है, आपको ऑडियो सुनना है, और आप अपने सारे स्पीकर के वायर पहले से कनेक्ट करके रखेगा। तो अब बढ़ते हैं ये वायर को आपको कहाँ कनेक्ट करना है। तो ये वायर को आपको सिंपली कनेक्ट करना है अपने सेटअप बॉक्स के पोर्ट्स में। सेटअप बॉक्स के पोर्ट्स में आपको रेड वायर रेड में डालना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो आपका सेटअप बॉक्स होगा, जैसे कि यहाँ पे मेरा टाटा स्काई का सेटअप बॉक्स है, तो आपको यहाँ पे रेड वाला वायर रेड पोर्ट में डालना है और वाइट वाला वायर वाइट पोर्ट में आपको प्लग कर देना है, कनेक्ट कर देना है। और येलो वाला वायर आपको कहीं नहीं डालना, येलो वाला वायर आपको कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है। और ये कनेक्ट करते ही आपको HDMI वायर की ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास HDMI वायर तो होगा ही, या फिर आपका जो DTH ऑपरेटर है उसने भी दिया होगा। तो आपका जो ऑडियो सोर्स है वो कनेक्ट हो गया है आपके सेटअप बॉक्स से। अब आपको ज़रूरत पड़ेगी वीडियो सोर्स की। तो आप अपने MITV को ऑन कीजिए, और ऑन करते ही आपको HDMI केबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे TV ऑन हो रहा है, मेरा पहले से ही कनेक्टेड है, पर मैं आपको पोर्ट्स बताऊँगा कि आपको कैसे कनेक्ट करना है। तो आपको सिंपली पहले तो आपको अपने TV में वॉल्यूम एकदम म्यूट कर देना है। जैसे कि आपका वॉल्यूम कुछ होगा तो उसको 0 कर देना है, ताकि TV के स्पीकर्स ना बजे। और फिर आपको HDMI का वायर आपको सेटअप बॉक्स में डालना है, और दूसरा जो पोर्ट होगा वो आपको 1, 2 या 3 कोई भी पोर्ट में आपको डाल देना है। जैसे कि यहाँ पे मैं पिक्चर बता रहा हूँ, मेरा कैमरा वहाँ तक पहुँच नहीं रहा था। तो इसी तरह सिंपली आपको फिर आपके HDMI को सिलेक्ट कर लेना है जिस पोर्ट में आपने डाला, और आपका काम हो गया। यहाँ पे आपका होम थिएटर कनेक्ट हो गया है आपके सेटअप बॉक्स से, आवाज़ भी आ रहा है और वीडियो भी चल